फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं न्यू जलपाईगुड़ी में हूँ और मैं आज न्यू जलपाईगुड़ी से नेपाल जा रहा हूँ बाई रोड। सड़क द्वारा नेपाल जाने के लिए आप बिहार में रक्सौल तक ट्रेन से जा सकते हैं, जहाँ से आप इंडिया नेपाल की सीमा पार कर सकते हैं। अभी हम रक्सौल जंक्शन पहुँच चुके हैं और सुबह का 8 बज रहा है। रक्सौल रेलवे स्टेशन से आपको बीरगंज जाना होगा, जहां पर इंडिया नेपाल की सीमा है। हम ये हॉर्स कार्ट करके बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं। सीमा पार करने से पहले आप इंडियन करेंसी को नेपाली करेंसी में कन्वर्ट करवा लें, क्योंकि नेपाल में ज्यादातर इंडियन बैंक की एटीएम काम नहीं करते हैं। बीरगंज जाने के लिए आप ऑटो या हाथ गाड़ी से जा सकते हैं, जो आपको करीबन 15 मिनट में सीमा पार करके बीरगंज तक ले जाएगा। भारतीय नागरिकों को सीमा पार करने के लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं होती है, आप आसानी से सीमा पार कर सकते हैं। हम नेपाल में एंटर कर चुके हैं, अभी हम जीप में हैं और ये जीप करके हम काठमांडू जा रहे हैं। आप बीरगंज से बस या शेड जीप लेकर काठमांडू पहुंच सकते हैं। बीरगंज और काठमांडू के बीच सड़क की दूरी लगभग 151 किलोमीटर है। बस या जीप से काठमांडू पहुंचने में आमतौर पर लगभग 6 घंटे लगते हैं। जीप पहाड़ों से होकर जाती है और आसपास के खूबसूरत नज़ारे दिखाती है। तो फ्रेंड्स, हम काठमांडू पहुंच चुके हैं और मुझे यहाँ आने में करीबन 6 घंटा लगा, जो कि काफ़ी टायरिंग था। और ये मेरा होटल है, यहाँ मैं कुछ दिन रुकने वाला हूँ काठमांडू में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।